अरे बाबर आजम ने वहां पे 100 बना दिया। बाबर ने पहले 52 रन बनाए 42 बॉलों में, पर अगले 21 बॉल में उन्होंने 59 रन बनाए। नहीं नहीं बाबर चुपचाप मुंह तोड़ जवाब ही दे रहे हैं सबके। आ गए बाबर, छा गए बाबर, पीएसएल में कर दिया सारा हिसाब बराबर। बाबर आजम ने खेल दी हाहाकारी पारी, ट्रोल्स को दे दिया जवाब बारी बारी। T20 में किंग कोहली को पछाड़ कर आगे निकले बाबर, शतकों के मामले में कईयों से है बेहतर। खुद ये बहुत अच्छा खेल रहा है इस बार, आप देखो आज भी 176 की स्ट्राइक रेट है और अभी पीएसएल में हाईएस्ट स्कोरर भी बाबर आजम ही चल रहा है। सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने बनाया। वो कैप्टन ये बाबर की बब्बी है भाई, शक्ल भी मिल रही है बदरे, और बब्बी के सामने 111-112 गुड यार, टच वुड। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अरे बाबर आजम ने वहाँ पे 100 बना दिया, कहाँ पे? पीएसएल में। वेरी गुड अनुप झा जी, कह रहे हैं एसटीटी जवाब है ये किसी को नहीं। देखो उन्होंने बनाए हैं, मैं अभी देख रहा था, बाबर ने पहले 52 रन बनाए 42 बॉलों में, पर अगले 21 बॉल में उन्होंने 59 रन बनाए, तो वो 111 नॉट आउट है। कितनी बॉलों 63 पर वो गेंदे वापस नहीं आएंगी ना सर, जो गेंदे चले नहीं, अब डिपेंड करता है टीम जीत रही है कि नहीं। ये जवाब होगा, ये उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया मुझे। नहीं नहीं बाबर चुपचाप मुंह तोड़ जवाब ही दे रहे हैं सबके, बोतल से भी दे दे रहे हैं कभी जवाब आज। नहीं बट वो आजकल क्राउड से भी लोगों को जवाब दे रहे हैं भाई, उनकी टीम ने परसों 211 बनाए थे, आज भी 201 बनाया उन्होंने, लेकिन गलत है बोतल वाला। जो मतलब जो फैन उनको कह रहा था या जो भी है वो मतलब यार गलत है, नहीं, किसी क्रिकेटर को वो, ऐसे नहीं। जो वॉइस है ना, हाँ, और बहुत अलग अलग चीजें होती हैं यार, तभी तो यार बॉटल किसको दिखाएंगे वो, अरे कुछ हुआ होगा हो सकता है, अब नहीं पता, बट आजकल जो भी आप देखते हो हर चीज सच नहीं है, गलत है वो। ऑब्वियसली इसका बाबर गलत है, वो जो लड़के कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जो भी हुआ वो गलत है, मतलब अगर वैसा है तो गलत ही है, कोई उसको डिफेंड नहीं करेगा, और उसमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना। 19वें ओवर में 4 विकेट लेके 2 रन देना, अब ये बाबर आजम का तुक्का था या बाबर आजम का मुक्का था कि उसने वाकई में याकूब का ओवर रखा हुआ था 19वें ओवर के लिए? भाई ये मास्टर स्ट्रोक था, आप जो मर्जी बोल लो। देखो कप्तान को अगर आप क्रिटिसाइज करते हो कि अगर आप नहीं जीते तो आप कप्तान को क्रिटिसाइज करते हो कि भाई आप हार गए, आपने गलत मूव करा, जैसे इसने नवाज को कितनी बार लास्ट ओवर दिया, ये नहीं जीत पाए, राइट? ओडीआई वर्ल्ड कप में भी दिया, T20 वर्ल्ड कप में भी दिया, ये हार गए, तो वहां पे बाबर आजम का क्रिटिसिज्म भी हुआ कि गलत देता है लास्ट ओवर, लेकिन जहां पे उसने याकूब को 19वां ओवर दिया और ये मैच जीते तो भाई तारीफ भी तो करनी पड़ेगी कि एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में बंदा 4 विकेट ले गया यार, एक ही ओवर, 4 ओवर 5 विकेट 27 रन, याकूब आरिफ याकूब छोटा चेतन न्यू सेंसेशन, विकेट ले गया यार चेतन है वाकई में भाई, 4 ओवर में आप 4 विकेट 5 विकेट ले, 5 विकेट हॉल T20 सवाल कर दिया भाई, किसी लीग में 5 विकेट हॉल लेना ही अपने आप में बड़ी बात होती है, और वो भी 19th ओवर में जब मैच खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट। खूब जैसे मैंने बोला था 4 ओवर 27 रन 5 विकेट, अब बाबर का भी दिखाओ यार, बाबर की भी जो बैटिंग हुई थी, बाय द वे ये 201 जो बना है ये तो बाबर की वजह से बना है, आधे से ज्यादा रन तो बाबर नहीं मारे, बाकी तो कोई रन मार नहीं पाया, साहब अयूब ने मारे शुरू में 30-35 रन के आसपास, तो टुडे तो यार शुक्र है कि 100 बनाने के बाद वो जीत गए। देखिए बाबर आजम 111 रन नॉट आउट, 42 बॉल्स कितने में था ये, 42 बॉल्स में 52 था भाई साहब, 42 में 52 था, बाकी कितनी बॉल बची भाई, 21 में लगा ले आप, 17 बॉल, 21 बॉल नहीं 21 बॉलों में कितने मार दिए इसने, इसने मार दिए आपके लिए 59 रन मार दिए 21 बॉलों में, 21 बॉलों में, तो 14 चौके कौन मारता है भाई, 14 चौके मार दिए बाबर आजम ने और 2 छक्के, 176 की स्ट्राइक रेट। बाबर की एक बात है कि पैनिक दिखता नहीं है इतना, चाहे हो भी रहा हो तो एंड तक भरोसा था, कैच भी करी आजम खान की, उसके बाद लगातार विकेट्स भी आए तो मैच पलट दिया उसने। कराची किंग्स की बात करें वो भी ठीक ठाक है, नीचे इस्लामाबाद और लाहौर को तो छोड़ ही दो आप, अगर मुझे वाकई लग रहा है एक्सपीरियंस के साथ बाबर आजम बैटिंग में भी, देखो आप सैब अयूब इसके पास है, मोहम्मद हारिस इसके पास है, खुद ये बहुत अच्छा खेल रहा है इस बार, आप देखो आज भी 176 की स्ट्राइक रेट है और अभी पीएसएल में हाईएस्ट स्कोरर भी बाबर आजम ही चल रहा है, सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने बनाया, तो फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरह कप्तानी ये कर रहा है इनको थोड़ा सा बॉलिंग में ना फायर पावर कम है, हालांकि ल्यूक वुड बढ़िया है, नवीरुल हक भी काम आता है टाइम पे काम आता है, लेकिन याकूब ने जो आज कर दिया है ना, पिछले मैच में भी याद रखो याकूब ने अच्छी बॉलिंग करी है, बाड़ी बॉलिंग नहीं करी है, तो आई थिंक पेशावर जलमी का अभी चाहे 3 नंबर पे है बट एक जेन्युइन चांस है कि इस बार पीएसएल जो बाबर आजम ने खून के आंसू रोए हैं, जो वो T20 में मार खाई है एशिया कप में, जो उसकी कप्तानी गई है, आई थिंक पीएसएल जीत के फाइनली
आई थिंक जिस तरीके की ये बैटिंग कर रहा है और जब अब कप्तानी का भी बोझ इसके कंधों पे नहीं है, ये 2024 के T20 वर्ल्ड कप में फोड़ेगा, आई थिंक अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, बिकॉज सिवाय इंडिया के कोई ग्रुप में ऐसा कोई डेंजरस टीम है नहीं। हाँ। आगे जाओगे न्यूजीलैंड वगैरह को ये हमेशा पेलते हैं, बाकी में कोई टीम जाएगी, एक्सपीरियंस भी है इसके पास और अब इसके पास क्राउड का भी बहुत सपोर्ट है एंड कप्तानी का प्रेशर हटना बहुत बड़ी बात है भाई। आई थिंक ये वर्ल्ड कप जो गौतम गंभीर ने ओडीआई वर्ल्ड कप में बोला था ना कि बाबर की क्लास उनके पास अलग ही क्लास है, शायद इस T20 वर्ल्ड कप में आपको नजर आ सकती है। ये बाबर की मम्मी है भाई, शक्ल भी मिल रही है, टचवुड। हाँ हाँ, ये ऐसा लगा उनके फैमिली से ही है, तो भाई भाई है, भाई भी है, उनका भाई है, टचवुड सेहतमंद रहे और मम्मी के सामने 111-12 गुड यार, आंटी को भी लंबी उम्र अदा होए भगवान करे और सेहतमंद रहे सारी फैमिली, नजर ना लगे। आ गए बाबर, छा गए बाबर, पीएसएल में कर दिया सारा हिसाब बराबर, बाबर आजम ने खेल दी हाहाकारी पारी, ट्रोल्स को दे दिया जवाब बारी बारी। T20 में किंग कोहली को पछाड़ कर आगे निकले बाबर, शतकों के मामले में कईयों से है बेहतर। अभी हाल ही में पाक फैंस ने बिल्कुल सामने से ट्रोल किया, जिम्बाबर जिम्बाबर कह के पुकारा। जाहिर है पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर को खूब गुस्सा भी आया, यहां तक कि उनकी पीएसएल में कप्तानी और खेल को लेकर भी खूब फजीहत हुई, लेकिन वो चुप रहे, उन्होंने खून के घूंट पिए और अपने बल्ले से करारा जवाब दिया, बता दिया कि वो कैसी तूफानी पारी खेल सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी पारी को बड़े स्कोर में भी तब्दील कर सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम ने अपनी टीम पेशावर जालमी के लिए तूफानी शतकीय पारी खेल डाली। पेशावर जालमी के लिए ओपनिंग करने आए बाबर आजम ने महज 63 गेंदों में 14 चौके और 2 छक्के सहित 176.19 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 111 रनों की नाबाद पारी खेली। इस तरह बाबर ने अपने पीएसएल करियर का जहां तीसरा तो वहीं T20 करियर में अभी तक का 11वां शतक जड़ डाला। इस मामले में उन्होंने भारत के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली को अब कोसों पीछे छोड़ दिया है। लाहौर के मैदान में पेशावर जालमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच मैच खेला गया। इसमें पेशावर के लिए ओपनिंग करने आए कप्तान बाबर आजम ने शुरू से आकर्षक शॉट्स लगाए और अपना विकेट भी बचाए रखा। इस मैच के सिर्फ एक ही हीरो रहे और वो है पाक किंग बाबर आजम, जिन्होंने ये तो साबित कर दिया कि वो तूफानी बल्लेबाजी भी बखूबी कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबर की ये पारी रिकॉर्ड के लिहाज से कईयों को पीछे छोड़ गई। इस आतिशी शतक के साथ ही बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में कोहली के सामने विराट चैलेंज खड़ा कर दिया है। दरअसल बाबर T20 में क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज है। गेल 22 शतक के साथ टॉप पर है तो बाबर आजम का ये 11वां शतक रहा। बाबर आजम ने नंबर 3 पर संयुक्त रूप से काबिज क्लिंगर, विराट, वार्नर और फिंच से अपनी दूरी और बना ली है। इन चारों के ही T20 में 8-8 शतक हैं। जाहिर है कि अब जब बड़ी तादाद में कोहली और बाबर के फैंस आपस में भिड़े रहते हैं तो अब कोहली को इस मामले में बाबर आजम के पीछे छोड़ना एक बड़ा चैलेंज हो चला है। अब आईपीएल शुरू होगा तो बाबर का ये सवाल विराट का पीछा कर रहा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। इसके साथ ही बाबर ने चिढ़ाने वाले फैंस की भी जबान बंद कर दी है, जो उन्हें धीरे खेलने के लिए ट्रोल किया करते थे। हम भी बाबर की उनकी तूफानी पारी के लिए उन्हें बधाई देते हैं।